जो लोग आगे आए थे बाबा साहब के फोटो को सर पे ले लेके घूम रहे थे, आज वो पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। कानून व्यवस्था की जो है, उन्होंने कानून के द्वारा कानून का राज चलाया है, इससे जनता में एक विचार विमर्श होता है आज भी और आगे भी होगा। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को इसका लाभ विधानसभा के चुनाव में मिलेगा। 10 सीटों पर पूरी तैयारी, पूरी मजबूती से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। बस मैं डॉक्टर एके कदम, जिलाध्यक्ष हापुड़। आज बैठक थी, क्या उद्देश्य था, क्या चर्चा की गई? माननीय बहन जी ने उपचुनाव पे चर्चा की है और सेक्टर कमेटी, जो हमारी सेक्टर कमेटी है, पोलिंग कमेटी, उसको रिव्यू करने के लिए इसी संबंध में बात है। 10 सीटों के उपचुनाव हो रहा है, कितने सीटों पे आएंगे, क्या नामों को लेकर चर्चा? नहीं, सब सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, माननीय बहन जी ने कहा। तो क्या कोई नामों के लेकर चर्चा? नहीं, कुछ नहीं माननीय, अभी कुछ नहीं। आज अहम बैठक की गई है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा की है बहन जी? कुछ उपचुनाव को लेकर, संगठन को लेकर यही चर्चा थी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का उपचुनाव हो रहा है, उसको लेकर क्या चर्चा की है, क्या रणनीति, क्या मूल मंत्र मिला है? 10 सीटों पर पूरी तैयारी, पूरी मजबूती से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। बस क्या नामों को लेकर भी चर्चा की गई है? 10 दो नाम तय हो गए हैं, मिर्जापुर में एक सीट है और एक फूलपुर की है, बाकी 8 नामों। बैठक में माननीय बहन जी संगठन के बारे में जानकारी ली और संगठन जो बताया था पहले, उसकी पूरी लिस्ट तलब की और उपचुनाव की तैयारी के विषय में बताया। अभी तो संगठन को, सेक्टर बूथ तक संगठन तैयार करने के लिए बोला गया है। 10 सीटों पर चुनाव लड़ना है, पूरी सीटों पर। फूलपुर पे नाम भी फाइनल होगा? अभी 10 सीटों पर चुनाव पूरा लड़ना है, अभी किसी का नाम फाइनल नहीं है। बानिया महन जी कह रहे हैं 10 सीटों पर तैयारी करो और सेक्टर बूथ तक अभी हम लोगों को जोर से लगने के लिए, तैयारी के लिए कहा गया है। जो हम लोग पूरे नया अभियान चलाने जा रहे हैं, अभी नया अभियान कोई नहीं है, अभी तैयारी के लिए, गठन के लिए पूरा बोला गया, जोर दिया गया, गठन तैयार। पिछले जो चुनाव रहे उसमें जो बसपा का रिजल्ट रहा वो काफी निराशाजनक रहा, इस बार कैसे धार देने जा रहे हैं, क्या नया है? पिछले चुनाव में आपकी मीडिया द्वारा जो गलत फहमी फैलाई गई, गलत हवा फैलाई गई, उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। अब हमारे कार्यकर्ता पूरी जोरदारी से लगे हैं और जुटे हैं और तैयारी कर रहे हैं, पूरा चुनाव, 10 उपचुनाव, पूरी 10 विधानसभा में लड़ा जाएगा। हीरालाल त्यागी, पूर्व राज्य मंत्री, मंडल कोऑर्डिनेटर। आज अहम बैठक हुई है, लंबी बैठक चली है, क्या मूल मंत्र मिला है आप बताइए? मूल मंत्र बहुजन समाज पार्टी की संगठन की इकाई को मजबूत करने के लिए, और दूसरा आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में जब अधिसूचना जारी होगी तो उसको मजबूती से पार्टी की तरफ से लड़ने के लिए। उपचुनाव को लेकर क्या बात हुई है, क्या रणनीति बनी है, कितनी सीटों पे आप आएंगे? रणनीतियों पर, सभी सीटों पर जीतने के लिए प्रयास किया जाएगा। हमारी प्लानिंग है कि सभी सीटों को बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, क्योंकि केंद्र का चुनाव दूसरा था, लेकिन ये विधानसभा के चुनाव में बहन जी के, जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी 7 से 12 में, जितना उन्होंने नौकरी दिया है और तमाम लोगों को, कानून व्यवस्था की जो है, उन्होंने कानून के द्वारा कानून का राज चलाया है, इससे जनता में एक विचार विमर्श होता है आज भी और आगे भी होगा। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को इसका लाभ विधानसभा के चुनाव में मिलेगा। क्या प्रत्याशी के नाम का ऐलान हुआ है किसी सीट? नहीं, अभी नहीं, एक सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी का नाम आया है, लेकिन अभी नाम उसका स्पष्ट नहीं है। वो इधर की है साइड, ध्यान नहीं है, अब उसमें सामूहिक रूप से बात हो गई है, लेकिन जल्दी ही प्रत्याशियों का नाम आ जाएगा, अभी नाम नहीं है। मेरा नाम पूजा अमरोही है, मैं आगरा मंडल की कोऑर्डिनेटर हूँ। बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, महिलाओं को भागीदारी देने के लिए उन्होंने आगरा मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया। मेरे साथ लता वाल्मीकि जी हैं, जो चुनाव लड़ी थी मेयर का, वो भी हमारे साथ ही आगरा मंडल में कोऑर्डिनेटर हैं। आज 10 सीटों को लेकर उपचुनाव जो हुआ है उस पर चर्चा की गई है, क्या मूल मंत्र मिला है? जो ये आरक्षण का मुद्दा उठाया है, और बहन जी ने बहुत मजबूती से इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है, इसको उठाया है, इससे जनता में दोबारा जो पार्टियां आगे आई थी, जो लोग आगे आए थे बाबा साहब के फोटो को सर पे ले लेके घूम रहे थे, आज वो पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं, उनके झूठ सामने है। आज आरक्षण की, जब पूरी तरह से आरक्षण को निष्क्रिय किया जा रहा है, उस समय उनमें से कोई भी एक भी आदमी बोलने को तैयार नहीं है। हर तरीके से आरक्षण खत्म करने की तैयारी की जा रही है। जो आरक्षण बचाने की बात करते थे, जो संविधान बचाने की बात करते थे, आज वो कहीं दिखाई नहीं रहे। आज भी इस माननीय बहन जी ही खड़ी है बहुजन समाज के लिए, उनके हितों के लिए, आज भी बहन जी ही अकेली खड़ी हुई है, तो ये सबको दिख रहा है। तो लोगों में पूरी तरह से लोग जागरूक हो चुके हैं, जो लोग पार्टी की तरफ से विमुख हो रहे थे वो सब दिखाई दे रहे हैं। नामों का ऐलान भी हुआ है?
हाँ, दो सीटों पे हम लोग सोचा गया है कि कुछ लोगों को, बाकी जब सब 10 सीटों पर सब दसों के दसों पे चुनाव लड़ेंगे और आप लोगों को बता दिया जाएगा, सब इकट्ठे ही बता दिया जाएगा सारी चीजें। दो सीटों पे कटहरी बात की जा रही है, कुछ पर नामों का ऐलान हो गया है, कौन होगा? नामों का ऐलान तो नाम इकट्ठा ही बता दिया जाएगा, अभी नामों के ऐलान के बारे में तो इतना खुल के नहीं बता सकते। सब इकट्ठे 10 सीटें हैं, पूरी जोरदारी से लड़ेंगे और जनता का समर्थन सहयोग सब कुछ साथ है। 1 अगस्त को जो आरक्षण में क्रीमी लेयर का एक फैसला आया है, क्या उसको लेकर कोई बात हुई है, क्या निर्देश मिला है कि जनता के बीच जाए कोई बात रखे? बिल्कुल, ये तो छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तरह से मैं बता रही, जैसे आपको कहा, आरक्षण को निष्क्रिय करने की पूरी तैयारी है, भर्तियां नहीं हो रही हैं, उन भर्तियों में पीछे बैकडोर एंट्री से दूसरे लोगों को किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, हर तरीके से तो आरक्षण खत्म कर। एक क्रीमी लेयर का ये एक मुद्दा और लाके, कहाँ है क्रीमी लेयर? हम लोग कितने लोग हैं? आज भी 21वीं सदी में भी हमें जातिवाद भुगतना पड़ता है। हमारा चाहे अधिकारी हो, स्कूल का बच्चा हो, स्कूल के बच्चे से, कॉलेज से, हमारी नौकरियों में, हर जगह राजनीति में, हर जगह हमें जातिवाद का सामना करना पड़ रहा है। तो कहाँ से क्रीमी लेयर रह गए हम लोग अभी, कहाँ, किस चीज को? ठीक है, कुछ लोगों को माना कि जिनके पारिवारिक काफी आगे से चल रहे हैं, उनको मान लिया हम क्रीमी लेयर में मान सकते हैं, लेकिन बाकी जो 90-95% जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम कहां से कुछ लोगों के लिए आरक्षण देना? तो ऊपर जो इतना आरक्षण बचा हुआ है हम लोगों को जो दिया गया, जबकि हमारी आबादी ज्यादा है, उसके बाद उस अनुपात में तो हम लोग कम है।